का है, लेकिन शंकराचार्य जी आप सुमेरु मठ से ताल्लुक रखते हैं, हमारे देश में ऐसे भी शंकराचार्य हैं जो कह रहे हैं कि ये उस पद्धति के अनुसार नहीं हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मंदिर बन के तैयार नहीं हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है। ये उनकी अज्ञानता अविद्या का परिचायक है। भगवान राम ने जब रामेश्वरम में शिव जी की स्थापना किया तो कुछ नहीं बना था, बाद में सब कुछ बना। 3000 भारत में ऐसे मंदिर है जो पहले मूर्तियां स्थापित हुई, बाद में उनका बनाया गया। परमेश्वर संहिता, ईश्वर संहिता और बृहद नारद पुराण, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु में दो व्यवस्थाएं हैं। अगर गर्भगृह तैयार हो जाए, दरवाजे खिड़कियां तैयार हो जाए तो वहां प्रतिष्ठा हो सकती है। एक दिन से लेकर 3 वर्ष के अंदर शिखर की भी स्थापना बाद में भी हो सकती है, ऐसा हमारे ऋषियों का मत है। हाँ। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं, जैसे हाथी चलता है तो उनकी आदत होती है भौंकने की। हाँ, मूर्खा जावत शोभते, जावत किंचित न भासते। जब वो व्यक्ति बोलता है शंकराचार्य तो उनकी स्थिति और परिस्थिति का, मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ कहना चाहती हूँ कि आप तो इतनी बड़ी गद्दी पर गद्दी नशी है, और अगर इस तरीके के मुहावरों का इस्तेमाल करेंगे तो बहुतों को चोट लग सकती है। और अयोध्या नगरी में तो ये कहा जाता है कि सरयू जो है वो किसी को चोट लगते हुए देख नहीं सकती है, वो उसने इतना खून इतना लहू देखा है प्रभु राम के संघर्ष के लिए, राम लला की मूर्ति वहां विराजमान हो उसके लिए। मैं अदनी सी हूँ, छोटी सी हूँ, बस इतना आपको कह देना चाहती थी कि इस मन से जो बातें जा रही है वो किसी के दिल को चोट ना पहुंचाने पाए। शंकराचार्य जी, मैं दोबारा, करोड़ों लोगों के दिल को चोट कर रहा हो। हाँ। हमारे करोड़ों लोगों की आस्था श्रद्धा पर प्रहार कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में न दैन्यम न पलायनम, हम दैन्यवादी भी नहीं और पलायनवादी भी नहीं। वेद की हिंसा हिंसा न भवती, वेद कहता है अगर कोई हमारी अस्मिता हमारी आस्था श्रद्धा पर प्रहार करता है तो ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हाँ, पर ये हमारी संस्कृति रही है। पर शंकराचार्य जी, जहाँ तक शास्त्र का प्रश्न है, पर शंकराचार्य जी, गोवर्धन पीठाधीश्वर ने जो प्रश्न उठाया, हाँ, उन्होंने कहा तो गोवर्धन मठ शास्त्र के अनुसार और गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार निरंजन देव तीर्थ थे, तो उसके बाद वहाँ का अधिकारी तीर्थनामा होना चाहिए, और शास्त्र के आधार पर वन अरण्य नाम का यति वहाँ का आचार होना चाहिए। और दूसरा, बनारस में, अच्छा आप ये कह रहे हैं, अच्छा आप और ये, मानस आप... मंदिर के मध्य में, हाँ, एक उन्होंने मंदिर का लोकार्पण त्रिदेव मंदिर के नाम पर, लेकिन 18 पुराण 6 शास्त्र खड़ंगो धेयो वेदो गया 14 विद्याओं में, हाँ, कहीं भी रानी सती या बालाजी या सालासर को त्रिदेव के रूप में उल्लेखित नहीं किया गया है। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर ब्रह्मा विष्णु महेश का ही नाम है, जी सुनिए ना, तो स्वयं अपने आचरण में शास्त्र विरुद्ध काम कर रहा है, ठीक है, और दुनिया को शास्त्र का निर्देश देता है, शंकराचार्य जी अपने आचरण में लाए। शंकराचार्य जी, हाँ मैं समझ गई आपकी बात, आप ये कह रहे हैं कि अगर वो उंगली उठा रहे हैं इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में तो वो अपने गिरेबान में एक बार झांक के देख ले कि उनका गिरेबान साफ सुथरा है कि नहीं है। मैं समझ गई ये बात। हमारे साथ अनुराग भदौरिया भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम तो चाहते थे कि आप यहाँ सरयू नदी के घाट पर हमारे साथ इस मंच पर चर्चा करें, और आप वहाँ लखनऊ में हैं, राम यहाँ है, आप कहाँ हैं? देखिए, प्रभु हमारे दिल में है, प्रभु हमारे मन में है, प्रभु कण कण में है, प्रभु को कोई बांध नहीं सकता। प्रभु किसी एक के नहीं है, सबके हैं प्रभु, और हम लोग प्रभु को मानने वाले लोग हैं, तो इसलिए प्रभु तो हमारे साथ हैं ही। लेकिन सवाल ये उठता है, इतना भव्य मंदिर बन रहा है, प्रभु राम का मंदिर, सभी पूरा हिंदुस्तान खुश है और होना भी चाहिए, लेकिन जब सवाल ये पूछा जाता है कि विपक्ष इसका, कई बार अभी जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी तो आप यही कोशिश करेंगे कि विपक्ष इसका विरोध करता है, कोई विपक्ष विरोध नहीं कर रहा है, सारे विपक्ष यही कह रहे हैं भव्य मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बनना चाहिए, राम मेरी आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं हो सकता।
भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकते हैं, हमारे लिए नहीं है। हम इसमें कोई राजनीति नहीं करेंगे। हम अपने आम जनता के साथ जब खुलेगा, आम जनता के साथ आम आदमी की तरह प्रभु राम के दर्शन करेंगे। अभी तो वहाँ वीआईपी कल्चर है, आप देख ही रहे हो कितना वीआईपी कल्चर है, पास बांटे जा रहे हैं। अनुराग जी, अरे अनुराग, प्रभु राम के दर्शन आम जनता के साथ। अनुराग जी, कहाँ वीआईपी कल्चर है? यहाँ लोग हजारों किलोमीटर पैदल चलकर आए हैं, ये कहाँ वीआईपी कल्चर है? लोग यहाँ पर ना रात देख रहे हैं, ना दिन देख रहे हैं, ना यहाँ पर सांसद है, ना यहाँ आम आदमी है। किसी तरह यहाँ सड़कों पर हर कोई इस वक्त है, एक ही शब्द है, चाहे वो आम हो या खास हो, और वो शब्द ये है कि माथे पर भले ही ना लिखा हो लेकिन वो राम भक्त है। जय सिया राम उसके होठों पर है और माथे पर राम भक्त लिखा हुआ है। आप कह रहे हैं किसी को कोई आपत्ति नहीं है, मेरा सवाल ये है, आपत्ति नहीं है तो बुलाया गया, आए क्यों नहीं? ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी कौन होती है? सनातन से ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी नहीं हो सकती है। सनातन धर्म से ऊपर है क्या भारतीय जनता पार्टी? प्रभु राम बुलाएंगे, हम लोग जाएंगे, 22 के बाद जाएंगे, 23 को जाएंगे, 24 को जाएंगे, 25 को जाएंगे, अपने आम जनता के साथ दर्शन करेंगे प्रभु राम का। ये तो है नहीं कि 22 के बाद प्रभु राम वहां से वहां पे प्रभु राम नहीं रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी माहौल बनाने की कोशिश करती है। क्या 140 करोड़ की जनता 22 तारीख को आ जाएगी क्या? अरे प्रभु राम तो हमेशा के लिए है, 23 को जाएंगे, 24 को जाएंगे। जब भारतीय जनता पार्टी का जो एक कहते ना, भारतीय जनता पार्टी जिसको अपना एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहती है, हमारे लिए प्रभु राम राजनीतिक नहीं है भाई, हमारे लिए प्रभु राम आस्था का विषय, बार बार मैं कह रहा हूँ। तो जो प्रभु राम की आस्था का विषय रखते हैं वो प्रभु राम का दर्शन कभी भी जाके कर लेंगे। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहने की कोशिश कर रही है, हम बुला रहे हैं तो भारतीय जनता, बस अनुराग जी, मैं पूरे सादर और मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ आपसे ये सवाल पूछ रही हूं। भारतीय जनता पार्टी का जवाब लल्लू सिंह जी देंगे, अभी सुन लीजिए। मैं तो प्रभु राम की बात कर रही हूँ, हमें मतलब ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी। यहाँ राम की पैड़ी पर एक बार बैठ जाते तो सिर्फ राम की बात होती है और कोई बात नहीं होती, ये बहुत क्लियर है मामला। लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि अगर राम और आपके बीच कोई आ ही नहीं सकता तो फिर बीजेपी को देखा ही क्यों? निमंत्रण आया तो ये मान लेते कि प्रभु राम का आया है, आप तो आएंगे ना प्रभु, उसे इनकार तो करने से कहीं आपने ऐसा तो नहीं किया कि सेल्फ गोल हो गया? कब कहाँ नहीं आएंगे, कहाँ ना आएंगे, 23 को आएंगे, 24 को आएंगे, 25 आएंगे, क्या दिक्कत है भाई? ये आप एजेंडा क्यों बनाने की कोशिश कर रही हैं? आप बुलाएंगे ओके, अनुराग जी मान गई मैं आपकी बात। आप कह रहे हैं आप नहीं, कोई तिथि होती है क्या? तो इसमें अनुराग जी, मैं आपकी जगह होती तो मैं कहती होइए सोई जो राम रची राखा। राम की धरती पर निमंत्रण आया, आप नहीं गए, अगली बार जाएंगे। ये किसने निमंत्रण दिया भाई? निमंत्रण भारतीय जनता पार्टी देगी क्या? हम प्रभु को मानने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी निमंत्रण देगी क्या? निमंत्रण दिया नहीं है। कह रहे हैं कि आपके बुलावे पर थोड़ी आएंगे, जब प्रभु राम बुलाएंगे तब आएंगे। ये तो उनके इच्छा के ऊपर है, जो चाहे करें। लेकिन अनुराग जी से हम एक चीज पूछना चाहते, अगर वो राम भक्त थे, उनकी पार्टी राम भक्त थी, तो जब प्रभु श्री राम की जन्मस्थली पर आतंकवादियों ने हमला किया था, उस समय उनकी सरकार थी, मुलायम सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, एक भी मंत्री उनका यहां पर नहीं आया देखने के लिए कि हमला हुआ क्या नहीं हुआ। अगर उनके अंदर राम भक्ति थी तो वहां आना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या है, अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है, क्यों नहीं आए यहाँ? क्यों नहीं आए अनुराग जी? चलिए आज नहीं आ रहे हैं, ये पिछला याद दिला रहे हैं। अनुराग जी और लल्लू सिंह जी को प्लीज रखिए, जवाब दीजिए। दिला रहा हूँ, हाँ सुन लीजिए। सांसद जी को मालूम होगा कि यही समाजवादी पार्टी है जिसने पूरे अयोध्या का अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन किया था। अब आप संसद जी, आप झूठ मत बोलिएगा, सही बताइएगा। यही अयोध्या का चेंजिंग रूम किसी ने बनाया था? तो समाजवादी पार्टी ने बनाया था। जो संध्या भजन कर रहे हैं आप वहां बैठ के, वो भी समाजवादी पार्टी ने बनाया था। और जो पंचकोशी यात्रा को जो पथ है वो भी समाजवादी ने बनाया था। और राम की पौड़ी जहां बैठ के आप अभी हमारी जहां पे सब डिबेट हो रही है वो भी समाजवादी पार्टी ने बनाई थी। अब मैं गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए। समाजवादी पार्टी हमेशा विकास की राजनीति करती है और हमारे प्रोग्राम आस्था का विषय है। दूसरी बात
पहली बात अरे नहीं ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। सुनिए, मैं यहाँ पर राम की पैड़ी से ये बात तो अनुराग जी कह सकती हूँ कि बहुत से ऐसे फ्लाईओवर, बहुत से ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जो किसी और ने नहीं, वो अखिलेश यादव ने बनवाए, और ये कहने में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, क्या आपने अयोध्या में विकास करवाया? ये सवाल मैं अयोध्या वासियों से पूछ लेती हूँ। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अयोध्यावासी नहीं आए, क्या विकास हुआ? कभी नहीं किया, कभी नहीं थे। अयोध्या के नाम से डरते थे, अयोध्या आना नहीं चाहिए लोग, अयोध्या के नाम से डरते थे ये लोग। 24 घंटे लाइट मिलती है, अगले जमाने में 4 घंटे लाइट मिलती थी। कब्रिस्तान केवल बनाया, उसकी बाउंड्री बनवाई, और केवल कब्रिस्तान बनाया गया है, गोलियां चलाए। मैम केवल गोली चलवाए, कब्रिस्तान बनवाए, कब्रिस्तान बनवा रहा था आरसीसी। अनुराग जी सुना आपने, यहाँ अयोध्या वासी है जो कह रहे हैं कि आपने आपने केवल मैं कुछ और आप अयोध्या के हैं। हाँ, पर बंदर मर जाते थे तो महीनों महीनों दिन उनकी लाशें पड़ी रहती थी, यहाँ भंडारे का पत्तल पड़ा रहता तो कोई उठाने वाला नहीं था, अयोध्या के तरफ ताकने के लिए तैयार नहीं थे। माननीय मुख्यमंत्री जी जब थे आप लोग, और कह रहे अयोध्या का विकास किया, और हमारे अयोध्या में बिजली नहीं मिलती थी, बहुत अभिशाप है। हमारे माननीय सांसद जी बैठे हैं, लोकप्रिय सांसद, इन्हीं की देन है जो आज हमारा अयोध्या धाम धाम हो गया है। ये अयोध्या वासी थे। अनुराग जी जवाब दीजिए आप जरा। मैंने तो देखिए, लूसिंग जी के लिए जब यहाँ पर बातचीत हुई अनुराग जी, तो मैंने तो यही लाइव उनका रिपोर्ट कार्ड ला दिया, आपका अच्छा, भी लाइव रिपोर्ट कार्ड यहाँ सामने है, सुन लीजिए। देखिए इसके पहले इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में कोई काम नहीं किया, हमने तो काम गिनाए। इसके पहले कल्याण सिंह 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, इसके मतलब उनको भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने मुख्यमंत्री होते हुए कोई काम नहीं किया। राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर है, राजनाथ सिंह ने चीफ मिनिस्टर रहते हुए कोई काम नहीं किया, और